बहुत स्वागत है गजेंद्र शेखावत जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुरुआत करते हैं सेशन की और शुरुआत राजस्थान में जो बीजेपी को बड़ी जीत मिली वहां से शुरुआत करते हैं फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे लेकिन राजस्थान में जो जीत मिली उसमें आपकी बहुत चर्चा रही कि आपने बहुत योगदान दिया रात तक और रात के किसी भी समय गजेंद्र शेखावत जी हर समय अवेलेबल थे लगातार रणनीति बनाने में और पार्टी को ये जीत सुनिश्चित कराने में लगे हुए थे तो किस तरह का वो जर्नी रही क्योंकि लगातार ये चर्चा थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे थे कि राजस्थान में हम वापसी कर जाएंगे धन्यवाद आपका धन्यवाद टीवी नाइन भारतवर्ष का अवसर प्रदान करने के लिए देखिए पिछले पांच साल में जिस तरह का शासन राजस्थान में था शासन की वादा खिलाफी के कारण से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बुरी तरह से डिटोरिएट और कॉम्प्रोमाइज हो जाने के चलते हुए राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता उस कुराज को बदलने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे थे और जब सभी काम कर रहे थे तब निश्चित रूप से मुझे भी उसके साथ में काम करना था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिली है निश्चित ही मेरे कंधों पर कुछ ज्यादा उत्तरदायित्व था और उस गुरुत्व को महसूस करते हुए मैंने जो कुछ भी पार्टी को सरकार में लाने के लिए किया जा सकता था वो सारे प्रयास प्राण प्रण से किए लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम सब ने मिलकर के जो प्रयास किए छोटे बड़े सब कार्यकर्ताओं ने बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर के धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर के वरिष्ठ नेताओं तक सभी लोगों ने लेकिन हम सब के बीच में जो महाभारत की कथा में सुदर्शन चक्र का महत्व उतना महत्व मोदी जी की गारंटी का था मोदी जी की गारंटी वहां काम कर रही थी और उस गारंटी की गारंटी पर भरोसा करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनाई है गारंटी पर आएंगे अभी क्योंकि गारंटी तो मंत्रा है अब 2024 से पहले लेकिन पर्दे के पीछे इतना काम कर रहे थे गजेंद्र शेखावती तो एक उम्मीद थी कि पर्दे के आगे भी फिर आप आएंगे लेकिन वो नहीं हुआ देखिए मैंने पहले भी कहा था चुनाव के समय में भी मुझे ये प्रश्न पूछे गए थे तब मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुख से आपने सुना होगा बीजेपी का दर्शन है देश प्रथम दल उसके बाद और व्यक्ति उससे अंत में और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के लिए किस कार्यकर्ता का कहां काम करना अधिक उपयोगी हो सकता है वो प्रदेश की सरकार में भी हो सकता है वो देश की सरकार में भी हो सकता है वो संगठन में भी हो सकता है वो प्रदेश के स्तर पर संगठन में हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में हो सकता है स्थानीय स्तर पर हो सकता है इस व्यक्ति का कहाँ देश के लिए और दल के लिए बेहतरीन उपयोग हो सकता है यह तय करने का विशेष अधिकार पार्टी में वरिष्ठ लोगों के पास है पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने इस अपेक्षा के साथ में जो कुछ तय किया निश्चित है जो भूमिका दी गई है जो उत्तरदायित्व तो मिलता है उसके साथ उस व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा के साथ में काम करने की हमारे परंपरा भी है और पद्धति भी है लेकिन गजेंद्र जी ये जो कार्यशैली है और ये जो एक नई तरह की राजनीति भी है बीजेपी की इसे समझना चाहते हैं हम कि कैसे एक पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का एक नेता आम कार्यकर्ता और आम नेता है और उसे पता लगता है कि अब वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है तो कब पता लगता है क्या है ये कार्यशैली किस तरह की ये सोच है वो उसको अगर आप समझाएं या I'm sure लोग समझना चाहेंगे इसे क्योंकि हर कोई हैरान था जब नए नाम आए मध्य प्रदेश में राजस्थान में देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल एक सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता का सुख भोगने वाला राजनीतिक संगठन मात्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस देश को बदलने का लक्ष्य लेकर के जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अंत्योदय शब्द का इस्तेमाल करते हैं अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके उसे सशक्त करते हुए राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे हैं और तब से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक उद्देश्य अटल है लक्ष्य अटल है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। और मार्ग भी वही और इस मार्ग पर स्पष्टता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के चलने के लिए हम कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है अपितु तो देश के निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाली एक पाठशाला है एक सामान्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की इस पद्धति से जुड़ता है काम करना शुरू करता है छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू करता है और वो एलिवेट होकर के धीरे धीरे परिष्कृत होकर के उ, उसका इवोल्यूशन होकर के उसको शीर्षक नेतृत्व तक पहुंचने का अवसर मिलता है ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है और आप देख सकते हैं उठा करके देखे देश की राजनीति के पटल पर या प्रदेशों की राजनीति के पटल पर जैसा आपने अभी खुद उल्लेख किया आपको अनेक अनेक ऐसे चेहरे लगेंगे या मैं कहूं कि अधिकांशतः ऐसे चेहरे मिलेंगे जिन्होंने शून्य से काम करना प्रारंभ किया और आज उत्कर्ष के शिखर तक पहुंचे ये व्यक्ति निर्माण की पद्धति के माध्यम से संस्कारों को जोड़ते हुए व्यक्ति का निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पर भी और ये बहुत इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए कि अगर आप एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ेंगे तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं आप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं आप आ, आगे बढ़ सकते हैं अब लोकसभा चुनाव सामने हैं 2024 से पहले और ये बार बार कहा गया है कि बीजेपी के भीतर कोई भी पद परमानेंट नहीं है आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा बार बार आपको लोगों के बीच भी जाना पड़ेगा तो क्या हम देखेंगे कि अभी जो तमाम सांसद हैं और ये चर्चा भी हो रही है कि ऐसा नहीं है कि सब वापस दिखाई देंगे क्योंकि इतने लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं तो फिर नए लोग भी आएंगे तो क्या कसौटी होगी और उस कसौटी पर क्या सबको कसा जाएगा देखिए निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कि किस व्यक्ति की किस समय में क्या भूमिका है ये तय करना परिवार में जो मुखिया है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसे तकनीकी तरह से हम मानते हैं उसका विशेषाधिकार है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किस व्यक्ति को कहां काम करना है और निश्चित ही मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार यह है 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 कि ठहराव जो है, वो सड़न सड़न लाता है और सडन जब आती है तो मृत्यु होती भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए परिवर्तन की परंपरा है कि हम बदलते रहें और बदलते के, बदल करके चलते हुए परिष्कार करते रहें और परिष्कृत होकर के देश के जिस लक्ष्य विकास के जिस लक्ष्य को लेकर के देश को समर्थ शक्तिशाली और संपन्न बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उसके लिए हमारी नई ऊर्जा निरंतर बनी रहे आपने कहा कि ये जरूरी है क्योंकि अगर आप ठहराव आ जाता है तो फिर सड़न हो जाती है क्या विपक्ष को आप उस तरह से देखते हैं क्या कांग्रेस पार्टी को आप ऐसे देखते हैं कि वहां ठहराव है या वहां, वहां उस तरह का बदलाव नहीं है क्या ये आपको आप उस कसौटी पर कैसे देखते हैं विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है मुझे टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है जो कुछ मैंने कहा है उस कसौटी पे आप कांग्रेस पार्टी को उठा करके देख लीजिए जो पार्टी अपनी स्थापना के काल से लेकर के स्थापना तो अंग्रेजों ने की थी लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद में देश आजाद होने के बाद से लेकर के एक परिवार मात्र की पार्टी खोकर के ठहर गई है उसका हर्ष क्या हुआ है आप और मैं दोनों देख रहे हैं نہ تو کوئی સ્પષ્ટ લક્ષ્ય ہے نہ کوئی માર્ગ ہے نہ કોઈ રીતિ ہے نہ کوئی નીતિ ہے نہ કોઈ પદ્ધતિ ہے কেবল اور কেবল એક પરિવાર કા પોષણ કરને કે લિયે ઉસકે રાજનીતી દીતોં કે સંરક્ષણ કે લિયે ઇસ ઠહેરાવ કે સાથ મેં ક્યોકી વો કામ કર રહે હે ઇસલિયે ઉનકી સ્થિતિ ક્યા હુઈ મેં ફર્શ સે અર્શ તક કાર્યકર્તા કે જાનને કે બાત કર રહા થા વહા અર્શ સે ફર્શ તક વો પહોંચ ગયા ઓર પતા નહીં કબ નેપથ્ય મેં چلے જાયેંગે اب તો દેશ uska ઇંતજાર કર રહા હૈ कुनबा बढ़ता जा रहा है बीजेपी का और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोग शामिल होते जा रहे हैं मतलब ये इस ये कारवां लंबा होता जा रहा है क्या वजह है इस तरफ आने की क्या जीत की गारंटी उन्हें इधर दिखाई दे रही है जो गारंटी बार बार बीजेपी कह रही है कि हमारे पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है जीत की भी गारंटी है तीसरे टर्म की भी गारंटी है उस गारंटी के भरोसे पर आ रहे हैं क्या क्या वजह है क्योंकि विपक्ष तो दूसरा आरोप लगाता है वो कहता है दबाव में आ रहे हैं डर में आ रहे हैं देखिए बहुत सारे तरह के विषय हो सकते हैं जीत की गारंटी सामने दिखाई देना कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार में आने वाली है ये निश्चित रूप से एक कारण हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते अगर मैं ईमानदारी से कहूं लेकिन साथ साथ में विपक्षी दलों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जिनका विश्वास लौटा है जिनका विश्वास पुनः स्थापित हुआ है या जिनमें विश्वास का उदय हुआ है तीनों तरह के लोग हो सकते हैं जो अब यह मानने लगे हैं कि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत को ले जा रही है भारत का, भारत का अब सुरक्षित हाथों में है सुरक्षित नेतृत्व के पास है और निश्चित रूप से अब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ऐसे स्वस्थ मन से सोचने वाले लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे वो सब अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ पड़े और वो दौड़ इतनी जो है वो बड़ी है और वो पंक्ति इतनी लंबी है कि शायद जब आप सब लोगों के सामने सारे विषय आ जाएंगे सब लोगों के चर्चा अगर मैं करूंगा या हो जाएगा हो जाएगी उस दिन आप लोगों को सहज विश्वास भी नहीं होगा और आपको लगेगा कि अब तो शायद पीछे कुछ बचा भी नहीं यानी अभी और बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि राज्यसभा की सीटों के लिए जब मतदान हो रहा है उसमें भी कुछ नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं और भी क्या लोग इस तरह से इसमें इस शामिल होने वाले हैं हम कुछ और बड़े नामों को देखेंगे शामिल होते हुए जल्दी मैं जब स्टूडेंट था अब तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ देख पाता हूँ तब तो फिल्म जब आती थी हमारे जमाने में आप तो इंटरनेट का जमाना है सब कुछ मोबाइल पे आता है पहले से वीडियो आ जाते हैं पहले पोस्टर छपता था उसके बाद में ट्रेलर आता था और उसके कई दिन बाद में कई महीनों बाद में मूवी आती है तो अभी तो पोस्टर आया है ट्रेलर आना बाकी है और मूवी तो कई दिन बाद आएगी राजस्थान की अगर बात करें पहले आपकी जो जीत पिछली बार थी वो एक बड़ी जीत थी अशोक गहलोत के बेटे सामने थे और एक बड़ी जीत आपने दर्ज की इस बार भी हम वैसा ही देखेंगे सिर्फ एक अंतर होगा या मैं कहूं दो अंतर होंगे पहला ये कि ये कि मैं नहीं कह सकता आज सामने के सामने कैंडिडेट कौन होगा इसलिए किसके सामने जीत होगी ये अभी तय नहीं और दूसरा अंतर ये होगा कि जितने वत्तों के अंतर से जोधपुर की जनता ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था अब की बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उससे ज्यादा अंतर से जिता करके जोधपुर की जनता भेजने वाली सामने अशोक गहलोत होंगे तब भी इसी तरह से आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर देखिए तय करना कौन कैंडिडेट होगा हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा तो? पार्टी मुझे, मुझे मौका देती है और सामने अगर, अगर अशोक गहलोत होंगे तो परिस्थिति इससे जैसा मैंने कहा इससे बेहतर ही होगी क्योंकि पिछली बार जब अशोक गहलोत साहब के पुत्र सामने चुनाव लड़ रहे थे ही वॉज़ अस्यूड कैंडिडेट कैंडिडेट तो अशोक गहलोत साहब थे मुख्यमंत्री थे चार पांच बार के जोधपुर के सांसद थे छह बार के विधायक थे तीसरी बार के मुख्यमंत्री थे और पांच साल तक मुख्यमंत्री का काल जो है सामने खड़ा था कुल मिलाकर के तेईस दिन के कैंपेन के पीरियड में सत्रह दिन तक जोधपुर में रह रहे थे और कुल मिलाकर के देश भर में की गई एक मीटिंगों में से एक जो है मीटिंग मेरे क्षेत्र में कर रहे थे उसके बाद में भी परिस्थिति तो अब तो परिस्थिति बदल गई एक तस्वीर आई थी कुछ समय पहले जिसमें आप वसुंधरा राजे जी अशोक गहलोत जी थे बहुत अच्छी सुखद तस्वीर थी उसके बाद आपसे पूछा गया तस्वीर के बारे में तो आपने कहा कि मैं जादूगर से जादूगरी सीख रहा था ऐसा सुना हमने तो क्या वो तस्वीर जो है उस उस तस्वीर के बाद क्योंकि आपने कहा तो वाकई कुछ जादूगरी सीखी आपने उनसे या जादूगर को जादूगरी सिखा दी आपने महज संयोग था भारतीय जनता पार्टी की नई चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था माननीय मुख्यमंत्री के पद पर नामित आदरणीय भजनलाल जी शपथ लेने वाले थे माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति थी और जिस मंच पर हम सब लोग थे श्रद्धे राजनाथ जी आदरणीय अमित सिंह जी अमित शाह जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उसके अतिरिक्त तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के सम्मानीय मुख्यमंत्री वहां थे उस पूरे मंच पर एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं कह सकूं कि हमारे मंच पर जो मेहमान था वो निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे और यह संयोग था कि उस मंच पर मेरी कुर्सी उनके साथ में लगी थी आदरणीय वसुंधरा जी की भी कुर्सी वहां थी मैं नहीं मानता कि राजनीति के क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं व्यक्तिगत वैमनस्य या दुश्मनी की गुंजाइश है हमारे वैचारिक मतभेद हैं हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है हमारे काम करने की पद्धति अलग अलग है हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं हमारे नेतृत्व के प्रति निष्ठा की अवधारणा अलग अलग है हमारा देश के प्रति देखने का नजरिया अलग अलग है लेकिन हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी तो कहीं नहीं हम बातचीत कर रहे थे सहज रूप से इस विषय वीशे, कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे पर मुझे लगता है कि मीडिया के मित्रों को वो जितना रुचिकर हमला ने लिए था उससे ज्यादा रुचिकर लगा इसलिए उन मित्रों ने जो है उसको लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां भी की बहुत सारी बातचीत भी की और मुझे पूछा गया था कि आप क्या चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा एक व्यक्ति जो एक ऐसे समुदाय से आता है जो बहुत कम राजस्थान में जिनके बहुत बड़ी मतदाताओं की संख्या नहीं है विधायकों के दृष्टिकोण से देखूं तो भी राजस्थान भर में कुल मिलाकर के एक दो या तीन विधायक उस समाज के चुन करके नहीं आते होंगे लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पचास साल तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक बना रहा महत्वपूर्ण बना रहा तीन बार किसी और के नाम पर चुनाव लड़कर जीत जाने के बाद में भी उनको हटा करके पीछे करके खुद मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुआ कुछ ना कुछ तो राजनीतिक कौशल और जादूगरी होगी तो मैंने सहजता के साथ में कहा था कि जादूगरी से जादूगर से जादूगरी और मैंने ये कहा था उसके आगे कि क्योंकि इस चुनाव के बाद में मैंने पहले भी कहा था कि इस चुनाव के बाद में वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे और अब की बार जैसा मैं मुझे दिखाई देता है वो दिल्ली में क्योंकि पहले ये होता था कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद में दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो जाते थे मैं कहा पिछली बार जिस तरह से उन्होंने आलाकमान को चुनौती दी थी तब अब की बार शायद वो महासचिव भी नहीं बने होंगे तब उनके पास में बहुत सारा समय होगा और जब समय होगा तब मैं जा कर के उनसे उनकी इस जादूगरी की कला से कुछ अंश सीखने की कोशिश करूँगा uh, मेरा आखिरी सवाल आपसे आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा मिशन रहा है जल शक्ति मिशन और घर घर जल एक पर, बड़ी परियोजना जो नदियों को जोड़ने की परियोजना थी उसका जो पहला प्रोजेक्ट है उसको उसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में अगर आप हमें संक्षेप में कुछ बताएं। देखिए पिछले पांच साल तक सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं बनाई गई देश में एक नया गवर्नेंस फॉर्मूलाय देते हुए उन सब योजनाओं को धरातल पर उतारा गया और बिना किसी भेदभाव के कंप्लीट सेचुरेशन हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचे इस लक्ष्य को लेकर के काम किया गया उस श्रृंखला में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक पीने का पानी पहुंचे यह लक्ष्य रखा था जिस दिन हमने काम शुरू किया था उस दिन देश में मात्र 16 प्रतिशत घरों तक पीने का पानी पहुंचता था जो आज पिचहत्तर प्रतिशत के आंकड़े को छू रहा है और देश में दस ऐसे प्रदेश हैं जिनमें हंड्रेड परसेंट हो गया है गुजरात है उसमें हरियाणा है उसमें हिमाचल प्रदेश है उसमें पंजाब है उसमें तेलंगाना है उसमें उत्तराखंड है उसमें ऐसे पाण्डिचेरी पौन, उसमें ऐसे दस प्रदेश ऐसे हैं जो हंड्रेड परसेंट सेचुरेट हो गए हैं और बाकी बहुत तेज गति के साथ में काम हो रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि तय समय में हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे इसको सुनिश्चित कर सकेंगे लेकिन इसके साथ साथ में देश को विकसित होने के रास्ते पर जहां हम चल पड़े उस विकास के मार्ग में पानी की उपलब्धता कहीं बाधा न बने इस विषय को समझते हुए और पानी की महत्ता को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में पानी से जुड़े हुए जितने विषय अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में विचार किए जाते थे जिन पर पॉलिसीज बनती थी काम होता था उन सबको इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय का निर्माण किया ताकि हम होलिस्टिकली काम कर सकें और उसके बाद अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम भारत में हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अपने बांधों को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से भारत में हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अकवफर मैपिंग प्रोग्राम क्योंकि भूगर्भ के जल की सबसे ज़्यादा जो है दोहन हम करते हैं इसलिए वहाँ उसके ऊपर हमारी निर्भरता ज़्यादा है और उसमें जिस तरह से सिकुड़न आ रही है उस पर भारत में हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करने का काम अगर किसी देश में हो रहा है तो भारत में हो रहा है और पानी के इसके अतिरिक्त भी जितने क्षेत्र में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता उन सब क्षेत्रों में जहाँ भारत काम कर रहा है वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है चाहे वो इंटर लिंकेज ऑफ रिवर्स का हो चाहे दुनिया में रिवर क्लीनिंग के ऊपर सबसे बड़ा काम हो हमने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गंगा के शुद्धिकरण के लिए काम किया है पूरी दुनिया ने उसको न केवल उसकी सराहना की है अभी तो यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिस्टोरेशन डिकेट मानते हुए इस पिछले दस साल में जो प्रोजेक्ट्स दे दुनिया भर के देशों ने लिए हैं उनके टॉप टेन इनिशिएटिव्स में रखा है और भारत जो है वो पिछले मोदी जी के कालखंड में पानी के परिपेक्ष में दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश बना है पिछले 10 साल के कालखंड में दो टू बिलियन यूएस डॉलर्स लगभग 20 लाख करोड़ रुपए भारत ने इस क्षेत्र में निवेश किया है ताकि देश को विकसित बनाने की दिशा में कहीं भी किसी तरह से पानी की उपलब्धता जो है वो चुनौती न बने उसके लिए चाहे नदियों का शुद्धिकरण करना हो चाहे नदियों को जोड़ना हो इन सब विषयों पर हम तेज गति के साथ काम कर रहे हैं बहुत शुक्रिया गजेंद्र शेखावत जी टीवी नाइन भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मौजूद रहे मंच पर क्योंकि मैं गुजारिश करूंगी टीवी नाइन भारतवर्ष के मैनेजिंग एडिटर पारितोष चतुर्वेदी आएंगे और सम्मान करेंगे गजेंद्र शेखावत जी का थैंक यू प्लीज पारितोष जी बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी साथ में परितोष जी सुमेरा जी आपका भी धन्यवाद